पेरिस की लड़कियां नथाली कोहली रेवेल एक बार में एक नग्न नर्तकी और सैंड्रिन सबरीना सेवेको एक बार्टेंडर पेरिस की सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की साजिश रचती हैं। जब वे एक साथ रहना शुरू करते हैं, क्लब का मालिक सैंड्रिन को भुगतान करने वाले ग्राहक के साथ यौन संबंध बनाने का अल्टीमेटम देता है। नथाली अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद सैंड्रिन को प्रस्ताव स्वीकार करने से बचाती है और मना करती है, और दोनों लड़कियों को निकाल दिया जाता है और सचमुच सड़क पर फेंक दिया जाता है। सैंड्रिन अपने किराए पर पीछे पड़ने के बाद निश्चित है कि मकान मालिक उसे बाहर निकाल देगा, खासकर जब से वह बेरोजगार है। लेकिन नथाली कुछ समय के लिए सैंड्रिन के साथ अपना अपार्टमेंट साझा करने की पेशकश करती है। उस समय के दौरान सैंड्रिन और नथाली एक असामान्य दोस्ती बंधन बनाते हैं, जिसमें नथाली अपनी यौन अपील को खोलने के लिए छोटी सैंड्रिन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जिसमें स्थानीय पेरिस मेट्रो स्टेशन के मंच पर सार्वजनिक हस्तमैथुन शामिल है, जिसमें समलैंगिक यौन संबंध भी है। सार्वजनिक सड़कों पर कोनों के पीछे एक दूसरे दरिद्रता के बिना लड़कियां अपनी सेक्स अपील का फायदा उठाकर कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने का फैसला करती हैं और एक बैंकिंग निगम में सचिव के रूप में नौकरी पाने का फैसला करती हैं। सैंड्राइन को मुख्यालय में काम पर भेजा जाता है और नथाली को मानव संसाधन विभाग में काम करने के लिए भेजा जाता है। उनका उद्देश्य अपने आकाओं को बहकाना और पदोन्नत होना है, जिसे सैंड्राइन सहसंस्थापक महाशय डेला क्रोइक्स रोजर मिरमोंट के साथ उनके सचिव बनने के बाद पूरा करता है। लेकिन नथाली के चारों ओर बहुत अस्पष्टता है। क्रिस्टोफ फैब्रिस डेविल, सीईओ का बेटा और बैंकिंग निगम का भावी उत्तराधिकारी, बहुत सुंदर है और दोनों लड़कियों को बहकाने का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा विनाशकारी है। कई महिलाओं से गुजरने के बाद क्रिस्टोफ निर्दयी और प्रतीत होता है कि भावनाहीन है, फिर भी किसी भी महिला को बहकाने और उसके प्यार में पागल करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले रोमांस उनकी आत्महत्या के साथ समाप्त हो गए। फिर भी नथाली से दूर रहने की चेतावनी मिलने के बाद भी सैंड्रिन अभी भी उसे जीतने के लिए दृढ़ है। समय के साथ सैंड्रिन यौन अनुपस्थिति और डेला क्रोक्स की ओर कम ध्यान के माध्यम से उसे आश्वस्त करता है कि नथाली को सैंड्रिन के सहायक सचिव के रूप में अपने कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि वह अधिक काम करती है। परिणाम उस शाम कार्यालय में एक त्रिगुट है जिसे क्रिस्टोफ और उसकी बहन ने बाधित किया। गुप्त रूप से अनुशासित होने के बाद डेला क्रोइक्स अपनी नौकरी का शीर्षक बरकरार रखेगा और कंपनी के लिए काम करना जारी रखेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर कागज पर, जिसमें केवल क्रिस्टोफ की पहुंच, उसे निकाल दिया गया है। स्थिति के बाद क्रिस्टोफ नथाली और सैंड्रिन को एक निजी रेस्तरां में ले जाता है, जहां यह पता चलता है कि नथाली क्रिस्टोफ का गुप्त प्रेमी रहा है, जबकि लड़कियां बैंक में काम कर रही थीं। अपने धन का दिखावा करने के बाद क्रिस्टोफ ने अपनी योजना का खुलासा किया। एक औपचारिक शादी के साथ सैंड्रिन से शादी करने के लिए अपने मरने वाले पिता को यह समझाने के लिए कि वह एक सुधारित व्यक्ति है और इस प्रकार निगम पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करेगा। स्वस्थ निपटान के बाद सैंड्रिन तलाक ले लेगा। नथाली स्थिति से क्रोधित इस उम्मीद में विरोध नहीं करती कि क्रिस्टोफ उससे प्यार करता है, यहाँ तक कि उसके और सैंड्रिन के लिए शौचालय जाने और क्रिस्टोफ को एक त्रिगुट में बदलने की प्रतीक्षा करने से पहले एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने की उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। बाद में सैंड्रिन को क्रिस्टोफ के शैटो में उसके और उसकी बहन के साथ एक अनाचारपूर्ण त्रिगुट में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शाम को नथाली द्वारा बाधित किया जाता है,
जो अभी भी आंख बंद करके विश्वास करती है कि क्रिस्टोफ उसे गहराई से प्यार करता है। क्रिस्टोफ द्वारा उसे अस्वीकार करने और उस पर एक पत्थर फेंकने के बाद नथाली पागलपन के शिकार हो जाती है। शादी बाद की तारीख में की जाती है और शादी की रात के दौरान सैंड्रिन और क्रिस्टोफ एक तांडव के रूप में अपने शैटो के माध्यम से एक साथ चलते हैं। यह सुनकर कि क्रिस्टोफ के पिता की मृत्यु हो गई है, गार्ड उसे तहखाने में ले जाते हैं और पूरे निगम को छोड़ देते हैं। वहां क्रिस्टोफ और उसकी बहन संभोग में संलग्न होने पर मेहमानों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है। बाद में शाम को जब घटनाएं शांत हो जाती हैं, सैंड्रिन को मुख्य दरवाजे के सामने फेंक दिया जाता है और क्रिस्टोफ द्वारा कहा जाता है कि तलाक में कई सप्ताह लग सकते हैं। नथाली पेट्रोल से भरी एक जेरिकैन के साथ दिखाई देती है, जिसे वह अपने ऊपर डालती है और हवा में एक लाइटर रखती है। क्रिस्टोफ ने उसे खारिज कर दिया, केवल नथाली ने उसके गुस्से में कई बार गोली मार दी। नथाली को गिरफ्तार किया जाता है और लंबी जेल की सजा सुनाई जाती है, जबकि सैंड्रिन निगम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वर्षों बाद जब सैंड्रिन पेरिस की सड़कों पर अपनी लिमोसिन में प्रवेश कर रही है, तो वह नथाली को पहचानती है, जिसने तब से अपने जेल गार्ड से शादी कर ली है और उसका एक बच्चा है। नथाली और सैंड्राइन एक दूसरे के पर चलने और एक दूसरे के लिए एक अंतिम अलविदा के रूप में गार्ड पर एक दूसरे को चुंबन के रूप में वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। Thank you.